गुड मॉर्निंग, मैं लोकेश चौधरी, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। बीएससी पार्ट सेकंड ईयर के अंदर टॉपिक है आज का बहुकेंद्रीय समकोण यौगिकों का नामकरण। ठीक है, नाम से क्लियर हो रहा है बहुकेंद्रीय यानी वे समकोण यौगिक जिसमें दो या दो से अधिक सेंटर मेटल आयन पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं बहुकेंद्रीय संकुल यौगिक। ठीक, वे संकुल यौगिक जिनमें दो या दो से अधिक केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन उपस्थित होते हैं बहुकेंद्रीय संकुल यौगिक कहलाते हैं। नेक्स्ट आगे है, इसमें हम इस प्रकार के समकोण यौगिकों में द्विकेंद्रीय यानी कि दो सेंटर मेटल आयन वाली द्विकेंद्रीय समकोण यौगिकों का नामकरण किया जाता है। ठीक है, फिर कहने का मतलब ये है वे संकुल यौगिक जिसमें दो या दो से अधिक सेंटर मेटल आयन प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं बहुकेंद्रीय संकुल यौगिक। ठीक है, दो सेंटर मेटल आयन के बीच में क्या होते हैं, लिगेंड होते हैं, बीच में क्या पाया जाता है, लिगेंड पाया जाता है, उस लिगेंड को हम कहते हैं सेतु लिगेंड। क्या कहते हैं, सेतु लिगेंड। नेक्स्ट आपके पास में है बहुकेंद्रीय संकुल यौगिक है उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला हमारे पास में है सेतु लिगेंड युक्त, संकुल यौगिक और ये भी दो प्रकार का होता है, इसके भी दो प्रकार होते हैं। पहला होता है सममित, सेतु लिगेंड युक्त संकुल यौगिक। दूसरा है असममित सेतु लिगेंड युक्त संकुल यौगिक। ठीक है, बहुकेंद्रीय संकुल यौगिक पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होता है दो या दो से अधिक सेंटर मेटल आयन प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहते हैं बहुकेंद्रीय संकुल यौगिक। और बहुकेंद्रीय संकुल यौगिकों में मुख्य रूप से हम द्विकेंद्रीय जिसमें दो सेंटर मेटल आयन होते हैं उसको हम अधिकांश उपयोग में लेते हैं, उसी का हम क्या लिखते हैं, नामकरण लिखते हैं। फिर आपके पास ये है, ये आपके पास में दो प्रकार के पास होता है सेतु लिगेंड संकुल यौगिक, इसके दो प्रकार है सेतु वाला धातु वाला। पहले इसको पढ़ते हैं सेतु लिगेंड युक्त संकुल यौगिक, इसके तो आईपीसी नोमेनक्लेचर है उनके क्या क्या नियम है उनको भी अभी देखेंगे। पहला हमारे पास में है सममित सेतु लिगेंड युक्त संकुल यौगिक और ये हमारे पास में है असममित सेतु लिगेंड संकुल यौगिक। इसके रूल्स क्या क्या है, सेतु लिगेंड युक्त संकुल यौगिक है इसके नियम है। सबसे पहले हमारे पास में है सेतु लिगेंड को म्यूके द्वारा, रूल फर्स्ट है सेतु लिगेंड को
म्यूके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखते हैं और लिगेंड को सबसे पहले हम म्यूके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में यदि सेकुलियनों की संख्या दो या दो से अधिक है तो म्यूके पहले रूल सेकंड, यदि सेतु लिगेंडों की संख्या दो या दो से अधिक हो तो म्यूसे पहले पूर्व लगन डाई दो है तो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा इत्यादि लिखते हैं। दो है तो डाई देंगे, तीन है तो ट्राई देंगे, चार है तो टेट्रा लिख देंगे, पांच है तो एक देंगे, ठीक है। अगर हमारे पास में सेतु संकुल यौगिकों में सेंट्रल मेटल आयन से जुड़े हुए लिगेंड एवं धातु परमाणु समान हो तो बिस ट्रिस टेट्रा किस पेंटा किस का उपयोग करते हैं। यदि हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन से जुड़े हुए लेंगे और धातु परमाणु समान हो तो दो है तो किस ले लेंगे, तीन है किस ले लेंगे, चार है तो टेट्रा किस, पांच है तो पेंटा किस लिखा जाता है, ठीक है। अब देखो हमारे पास सेतु लिगेंड संकुल यौगिक दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला प्रकार हो सकता है सममित, दूसरा हो सकता है असममित। सममित में क्या होगा, सममित के अंदर सेंट्रल मेटल आयन और जो लिगेंड है वो क्या होते हैं, समान होते हैं। ये सेंट्रल मेटल आयन हमारे पास में सेम प्रकार का होता है, क्रोमियम क्रोमियम कोबाल्ट कोबाल्ट, और जो दूसरे लिगेंड है वो भी क्या होते हैं, समान होते हैं। असममित सेतु लिगेंड में हमारे पास में सेंट्रल मेटल आयन भी क्या हो सकते हैं, भिन्न भिन्न हो सकते हैं, और सेंट्रल मेटल आयन से जुड़े हुए लिगेंड भी क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम कहते हैं असममित सेतु लिगेंड युक्त संकुल यौगिक। अब हम इनका हाइपोथेसिस लिखने के लिए रूल लिखें। सबसे पहले सेतु लिगेंड जो भी हमारे पास में जुड़ा हुआ है, सेतु लिगेंड का मतलब यह है कि हमारे पास में फॉर एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल लें जैसे एग्जाम्पल है CO5 प्लेटिनम CO5, ठीक है। ये हमारे पास में कार्बोनिल सेतु लिगेंड है, कार्बोनिल हमारे पास में क्या है, सेतु लिगेंड है। सेतु लिगेंड को म्यूसे लिखा जाता है, इसका नाम हम लिखे सबसे पहले हम इसका निकालेंगे ऑक्सीजन अवस्था निकालेंगे, ऑक्सी अवस्था निकालने के लिए हमारे पास में देखो इसको हमने x माना, इसको x माना, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, x बराबर जीरो। यानी धातु के पास तो धातु की जो ऑक्सी अवस्था है वो कितनी है, शून्य है। अब देखो दो धातुओं के मध्य लिगेंड प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं सेतु लिगेंड, ठीक है। दो सेंट्रल मेटल आयन के बीच में भी कोई लिगेंड प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं सेतु लिगेंड। सेतु लिगेंड दो प्रकार का हो सकता है, सममित और असममित। यदि हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन से जुड़े हुए लिगेंड समान प्रकार के होते हैं, धातु आयन समान होती है, उसे हम कहते हैं सममित लिगेंड, और यदि सेंट्रल मेटल आयन से जुड़े हुए लिगेंड क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, उसे हम कहते हैं असममित सेतु लिगेंड, ठीक है। अब बात आता है सेतु लिगेंड का नाम लिखने से पहले हम सबसे पहले क्या लगाते हैं, म्यू लगाते हैं, हमने लगाया म्यू,
म्यू कार्बोनिल, म्यू कार्बोनिल। सबसे पहले मैंने इसका नामकरण लिख लिया, यहाँ पे प्लेटिनम है, यहाँ पे प्लेटिनम है। दूसरा नियम क्या है, यदि सेतुल गेंदों की संख्या दो या दो से अधिक हो तो म्यू से पहले पूर्व लगन डाई ट्राई टेट्रा पेंटा इत्यादि लिखते हैं। साथ में एक नियम और है, सेतु संतुलिकों में सेंट्रल मेटल आयन जुड़े हुए लिखे धातु आयन समान होते हैं। यहाँ भी प्लेटिनम है, यहाँ भी प्लेटिनम है, दो है तो हम विश्व धातु लिख सकते हैं। ये भी हमारे पास में क्या है, सेम है, तो इसका हम नाम लिखे तो क्या बनाएगा देखो, विश्व। फिर हमारे पास में पेंटा कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल प्लेटिनम, प्लेटिनम जी, ये इसका आईपीएससी नेम हो जाएगा। ठीक है, सेतु लिगेंड है, सेतु लिगेंड को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू कार्बोनिल हो गया, प्लेटिनम प्लेटिनम दोनों प्लेटिनम है तो विस हो गया, यहाँ भी सीओ फाइव है, यहाँ भी सीओ फाइव है तो विस पेंटा कार्बोनिल प्लेटिनम शून्य है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास में नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम देखें जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे लें, SO4 Fe और OH OH Fe SO4। सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे ऑक्सीजन अवस्था, सल्फेट की आवश्यकता होती है माइनस टू होता है, इसको हमने मान लिया x माइनस वन x माइनस टू बराबर जीरो माइनस सिक्स टू एक्स बराबर सिक्स x बराबर थ्री x बराबर थ्री। यहाँ मेरे पास कोई एफ है वो कैसा है, थर्ड है, ये भी एफ थर्ड है, ये भी एफ थर्ड है, यहाँ पे ओ एच है, यहाँ भी ओ एच है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम इसका उपयोग करते हैं, इसका उपयोग हम यहाँ पे करते हैं, इसका नामकरण लिखने के लिए इसका नाम होगा सबसे पहले हमारे पास में डाई म्यू हाइड्रोक्सो ये हमारे पास में इसका नाम हो गया है OH OH दो बार है इसलिए हमने लगाया हमने डाई सेतु लिगेंड के लिए क्या लगाया म्यू OH को कहते हैं हाइड्रोक्सो। ठीक है, फिर हम लिखते हैं बिस और बिस के बाद में हमारे पास करें बिस सल्फेट या सल्फेटो सल्फेटो और आयरन का ये इसका आईपीएससी में हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम एक एग्जांपल और देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखें, और यहां हमारे पास में Cl NH3 Br। ठीक है, सबसे पहले हम इसका निकाल लेंगे ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेंगे, Br की आवश्यकता होता है माइनस वन जीरो एक्स माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस फोर। फिर हमने माना x जीरो माइनस वन बराबर जीरो टू एक्स बराबर सिक्स एक्स बराबर थ्री। ठीक है, यहाँ पे कोबाल्ट कौन से अवस्था में है, थर्ड अवस्था में है। अब हमारे पास में देखो सेतु लिगेंड के रूप में हम म्यू लिखते हैं, म्यू से पहले इसकी संख्या कितनी है, चार है टेट्रा। ठीक है, टेट्रा म्यू क्लोरीडो। ठीक है,
इसके बाद में लगाएंगे बिस, क्या लगाएंगे बिस, और बिस के बाद में पैंटा एनिन, पैंटा एनिन ब्रोमिडो, ब्रोमिडो कोबाल्ट थर्ड, ये इसका आईपीसी में हो जाएगा, ठीक है। चार है टेट्रा म्यूक्लोरिडो बिस पेंटा एनी ब्रोमिडो कोबाल्ट साइक्लिन, ठीक है। हमारे टॉपिक का बहुकेंद्रीय संकुल यौगिकों का आईपीसी नोमेनक्लेचर, ठीक है। इसमें हमारे पास में दो प्रकार के कंपाउंड हो गए हैं, एक हमारे पास में कंपाउंड है यानी कि हमारे पास में सममित सेतुलिक है और असममित सेतुलिक है। यानी किस पॉइंट पे डिपेंड किया, हमारे पास में सेतु लिगेंड युक्त संकुल यौगिक, और इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला हमारे पास था सममित सेतु लिगेंड, सममित सेतु लिगेंड युक्त संकुल यौगिक, और दूसरा है असममित, असममित सेतु लिगेंड युक्त सममित सेतु लिगेंड, असममित सेतु लिगेंड। सममित वाला हमने पढ़ लिया है, ठीक है। सममित वाले में क्या होता है, सममित वाले में हमारे पास में जो द्विकेंद्रीय संकुल यौगिक है जिसमें दो सेंट्रल मेटल आयन होते हैं, सेंट्रल मेटल आयन से जो जुड़े हुए लिगेंड होते हैं वो कैसे होते हैं, समान प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसे हम कहते हैं सममित सेतु लिगेंड। असममित सेतु लिगेंड में क्या होता है, सेंट्रल मेटल आयन के बीच में जो सेतु लिगेंड हैं वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं, और साथ में हमारे पास में सेंट्रल मेटल आयन से जो जुड़े हुए लिगेंड हैं वो भी क्या हो सकते हैं, भिन्न भिन्न हो सकते हैं। इनका आईपीसी नेम भी सेम ऐसे लिखेंगे। इनका आईपीसी नोमेनक्लेचर लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो सेतु लिगेंड है उसके लिए हम लगाते हैं म्यू। म्यू से पहले लिगेंड की संख्या दो है तो डाई लिख देंगे, समान लिगेंड संख्या दो है डाई लिख देंगे। अगर हमारे पास में तीन है ट्राई, चार है टेट्रा, पांच है पेंटा म्यू, फिर हमारे पास में उसका नाम जो भी हमारे पास में लिगेंड है उसका नाम लिख देंगे। फिर हम लिखते हैं ये हमारे पास में समान प्रकार के हैं, सेंट्रल मेटल आयन भी समान है, लिगेंड भी समान है, बिस ट्रिस टेट्रा किस पेंटा किस, इनमें से कोई सा भी जो हमारे पास में सूटेबल है दो है तो बिस ले लेते हैं, फिर उसका संकुल का नाम लिख देते हैं। हमारे पास में लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन उसकी अवस्था है, बाकी जो सेम नियम है वो ऐसे ही वैसे लगाते हैं। अब है असममित सेतु लिगेंड युक्त संकुल यौगिक। असममित सेतु लिगेंड युक्त संकुल यौगिक हमारे पास में क्या होगा, सेंट्रल मेटल आयन से जुड़े होंगे लेकिन हमारे पास में क्या होंगे, भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे हमारे पास में फॉर एग्जाम्पल हम देखें Fe NH3 4, Fe NH3 4 NH NH2 और Fe और यहां पे लिखें NH3 सीनियर। ये हमारे पास में असममित सेतु लिगेंड है, ये हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन है, सेंट्रल मेटल आयन से जो सेतु लिगेंड है वो भी हमारे पास में क्या है, भिन्न है। एक हमारे पास में एमीडो है, ठीक है, एक एमीडो है एक इमीडो है। यहाँ हमारे पास में NH3-4 है, टेट्रा एमीन है, यहाँ एमीन और साइनो है। इसका आईपीसी नेम लिखने के लिए सबसे पहले इन दोनों का आईपीसी नेम लिखेंगे, इन दोनों इमीडो एमीडो
सबसे पहले उसके निकालेंगे अक्षीय अवस्था निकालेंगे, जीरो एक्स माइनस वन माइनस टू एक्स जीरो माइनस तीन एक्स बराबर छ एक्स बराबर तीन। ठीक है, अब इसका आईएसएम नेम लिखने के लिए म्यू एमिडो म्यू इमिडो म्यू इमिडो यहां पर आगे बताएंगे इमिडो। ठीक है, सबसे पहले हमने सिंपली ये डबल नाउन लिखा। ठीक है, एन एच टू एन एच ये माइनस टू होता है, ये माइनस वन होता है। ठीक है, ये हमारे पास में एमिडो, ये हमारे पास में इमिडो, पहले ए फिर आर। इसके बाद में हम लिखेंगे इसका नाम टेट्रा एमी, टेट्रा एमी आयरन और आयरन थायरन। ठीक है, फिर हमारे पास में एमी ट्राई साइनो, ट्राई साइनो फेरेट थायरन, ये इसका आईपीएससी नॉमिनेशन हो जाएगा। इसका एसिड सेंटर लिगेंड युक्त संघ लिया। ठीक है, इसमें सेंट्रल मेटल आयन से जुड़े हुए लिगेंड क्या हो सकते हैं, भिन्न भिन्न प्रकृति के हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे कौन कौन से हैं, NH, NH2, इमिडो और एमिडो। ठीक है, इमिडो का आवेश कितना होता है, माइनस टू होता है। एमिडो का आवेश कितना होता है, माइनस वन होता है। माइनस वन इसके लिए माइनस वन, इसके लिए माइनस टू, ये हमारे पास में एक्स हो गया, ये जीरो हो गया, ये माइनस तीन हो गया। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए इसमें, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है CO5 कार्बोनिक पेंटा कार्बोनिक और यहां पे NH2 OH Fe CO5। ठीक है, इसका हम आगे से देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास में इस संपूर्ण में दो सेटुलिगेन है, एक NH2 है, एक हमारे पास में है हाइड्रोक्सोल। ठीक है, इस पर आवेश कितना होता है, माइनस वन होता है, इसमें कितना होता है, माइनस वन होता है। जीरो इसके लिए हमने लिखे एक्स माइनस वन प्लस एक्स जीरो बराबर जीरो, एक्स माइनस टू एक्स बराबर दो, एक्स बराबर एक। ठीक है, अब इसका आईपीएससी नेम लिखने के लिए हमारे पास में आईपी कौन सी अवस्था में, फर्स्ट अवस्था में, इसका नाम लिखें वही हमारे पास में म्यू एमिडो म्यू हाइड्रोक्सो म्यू एमिडो म्यू हाइड्रोक्सो बिस और पेंटा कार्बोनिल आयरन फर्स्ट। ठीक है, इसका नाम लिखने के लिए हमने लिखा म्यू एमिडो, ओएच है म्यू हाइड्रोक्सो, दोनों साइड समान है बिस पेंटा कार्बोनिल आयरन फर्स्ट। ठीक है, ये इसका आईपीएससी हो जाएगा। एक एग्जांपल और देते हैं, NH3 4 NH3 4 CO, यहाँ पे CL है, यहाँ पे Br है, और NH3 2 CL, इसका हमें आईपीएससी लिखना है।
ठीक है। आवेश की बात करें, जीरो एक्स और माइनस वन एक्स जीरो माइनस टू बराबर जीरो, एक्स टू एक्स बराबर फोर, एक्स बराबर, ठीक है। दोनों में पास में कोबाल्ट सेकंड है। अब इसका आरबीसी नहीं लिखिए, कोबाल्ट सेकंड, कोबाल्ट सेकंड, कोबाल्ट में पास में दोनों के लिए आरबीसी नहीं कर लेगा। देखो म्यू ब्रोमिडो, म्यू ब्रोमिडो, म्यू क्लोरिडो, म्यू ब्रोमिडो, म्यू क्लोरिडो, हेक्साएमीन, हेक्साएमीन, डाई क्लोरिडो, बिस कोबाल्ट, बिस कोबाल्ट सेकंड, बिस कोबाल्ट सेकंड, ये इसका आईबीसी नेम हो जाएगा, ठीक है। बहुकेंद्रीय संपूर्ण यौगिकों का जो नामकरण है, इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया है। पहला भाग हमारे पास में था सेतु लिगेंड युक्त संपूर्ण यौगिक, और सेतु लिगेंड युक्त संपूर्ण यौगिक है वो दो प्रकार के होते हैं, सममित सेतु लिगेंड और असममित सेतु लिगेंड, ठीक है। सममित सेतु लिगेंड में हमारे पास में क्या होता है, सममित सेतु लिगेंड के अंदर हमारे पास में सेंट्रल मेटल आयन से जुड़े हुए लिगेंड क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे हमारे पास में होता है फ्री सी एन सी एन सी ओ फाइव सी ओ फाइव, ठीक है। दोनों पास में क्या है, समान समान है, उसे हम कहते हैं सममित सेतु लिगेंड। और जो हमारे पास में भिन्न भिन्न हो, जैसे NH2 OH आ गया, दोनों हमारे पास में यहाँ पे क्या है, अलग अलग है, उसे हम कहते हैं असममित सेतु लिगेंड, ठीक है। इनके नामकरण के नियम भी बिल्कुल इजी नियम है। सबसे पहले इनमें हमारे पास में लिगेंड है, जो सेतु लिगेंड है उसका नामकरण सबसे पहले किया जाता है। सेतु लिगेंड के नामकरण से पहले हम क्या लगाते हैं, म्यू लगाते हैं, अकेला है म्यू लगा देंगे। अगर संख्या में दो तीन चार है, दो है तो डाई म्यू, तीन है ट्राई म्यू, चार है टेट्रा म्यू, पांच है पेंटा म्यू, फिर हमारे पास में लिगेंड है, क्लोरिडो है, एक ब्रोमिडो है, एक आयोडिडो है, जो भी लिगेंड है उसका नामकरण लिख देंगे। उसके बाद में हम ये लिखते हैं कि हमारे पास में सेंट्रल मेटल आयन से जुड़े हुए लिगेंड और धातु भी समान है, तो अगर हमारे पास में समान है तो दो है तो बीस लगा लेंगे, तीन है तीस लगा लेंगे, जैसी संख्या है उसके आधार पे उसका नामकरण कर देते हैं, ठीक है। बिल्कुल इजी टॉपिक है, बहुकेंद्रीय समूह यौगिकों का नामकरण। इसमें होता क्या है हमारे पास में, इसमें हमारे पास में दो या दो से अधिक है वे समूह यौगिक, यही हमारे पास में समूह यौगिक ही है। इस समूह यौगिक हमारे पास में क्या होगा, यानी कि सेंट्रल मेटल आयन कितने होंगे, दो होंगे। सेंट्रल मेटल आयन क्या होंगे, दो होंगे। और सेंट्रल मेटल आयन के बीच में हमारे पास में क्या हो सकता है, सेंट्रल मेटल आयन के बीच में भी लिगेंड प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं सेतु लिगेंड, ब्रिज लिगेंड। और ब्रिज लिगेंड का नामकरण क्या करते हैं, पहले करते हैं, सबसे पहले उसी का नाम लिखते हैं। और यदि उसका नाम लिखने के बाद में डाई ट्राई लगा लेंगे, फिर हम लिखेंगे जो हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन के साथ में जुड़े हुए लिगेंड हैं उनका नामकरण करते हैं। उनका नामकरण करते समय यदि हमारे पास में दोनों साइड समान हैं, दोनों इक्वल सेम सेम हैं तो बीस लगा लेंगे, तीन है तो ट्रिस लगा लेंगे, चार है टेट्राक्स लगा लेंगे, पांच है पेंटाक्स लगा लेंगे, और उनका जो हमारे पास में सामान्य आईबीसी नोमेनक्लेचर है उसके आधार पे हम उसका नामकरण कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में बहुकेंद्रीय समूह यौगिक है, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। दूसरा हमारे पास में जो धातु धातु के मध्य जो धातु धातु के मध्य जो हमारे पास में संकुलित होते हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।